फ्रेंड्स, YouTube पर जितने सारे YouTube शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर है उन लोगों के तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले YouTube की तरफ से एक गुड न्यूज आया है YouTube शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर के लिए। आप में से सभी लोगों को शायद पता है, इसी के बारे में आज थोड़ा बहुत डिस्कस करना है आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं उराज, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल आर एम ओपिनियन। वीडियो को एंड तक देखिए, अगर पसंद आती है फिर से ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को एक लाइक करते हुए शेयर जरूर कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, इससे मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले YouTube के एक अपडेट आया था, वहां पर YouTube बताया था कि जितने सारे YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर है उन लोगों के वीडियो अगर अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब वीडियो वायरल होता है, तब उन लोगों के लिए एक $100 का एक फंड दिया जाएगा। सो ये YouTube इसलिए किया था कि जब से TikTok बैन हुआ तब से YouTube चाह रहा था कि YouTube शॉर्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स ही बने रहे, टिकटॉक पूरी तरह से बंद हो जाए, यही टारगेट है यूट्यूब का। तो इसीलिए यूट्यूब ने ये फंड डिक्लेयर किया था, लेकिन वो सिर्फ एक अपडेट था। अभी जो 2-3 दिन पहले यूट्यूब ने नए इंफॉर्मेशन सभी को दिया है, नए गुड न्यूज सबके लिए आया है, वो है यूट्यूब ने उस फंड को 100 गुना ज्यादा कर दिया। यूट्यूब अभी कह रहा है कि भाई अगर आप एक YouTube शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर हो, आपका वीडियो अगर वायरल होता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो $100 से लेकर $10,000 तक मिल सकता है आप लोगों को। यह बहुत बड़ी एक बात है। और भी एक बात है, इससे आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो या फिर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर है, 500 आवर्स वॉच टाइम है, तब भी आपको ये रुपया मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी खुशी का न्यूज है। फंड तो आपको मिलेगा, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर क्राइटेरिया आपको पूरे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका वीडियो वायरल होता है तभी आपको ये फंड दिया जाएगा हर महीने। और ये फंड अभी जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब जुलाई पर जितने सारे लोगों के यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स वीडियो वायरल हुआ है उनमें से बहुत सारे लोगों को ये रुपया मिल सकता है, और हर महीने इस तरह से कोई ना कोई क्रिएटर को ये रुपया मिलता रहेगा। हर महीने आपको एक सैलरी की तरह ये दिया जाएगा अगर आपका YouTube शॉर्ट्स वीडियो वायरल होता है तो। लेकिन आपको YouTube शॉर्ट्स के सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो करके चलना पड़ेगा। नंबर 1, आपका वीडियो तो वायरल होना ही चाहिए। नंबर 2, आपके वीडियो वर्टिकल मोड में होना चाहिए, ये तो आप लोगों को पता है। नंबर 3, आपके वीडियो 15 सेकंड से 16 सेकंड के अंदर होना चाहिए। नंबर 4, आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। नंबर 5, आपके वीडियो पर अगर आप कुछ सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स के जो फीचर्स है वहाँ पर आपको जो बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड सॉन्ग प्रोवाइड की जा रहे हैं आप वहाँ से ही सॉन्ग ऐड कीजिए, बाहर से आप कुछ भी सॉन्ग मत ऐड कीजिए, तब आपके पास एक क्लेम आ सकता है। सिर्फ ये नहीं है, और भी बातें हैं, आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल्स के भी फॉलो करके यहाँ पर चलना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पर कुछ भी सेक्सुअल कॉन्टेंट नहीं डाल सकते, आप यहाँ पर कुछ भी ये मान लो तमाकू या फिर गुटखा इसके एडवर्टाइजमेंट या फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, आप यहाँ पर कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में बता नहीं सकते, आप यहाँ पर कोई गान राइफल इसके बारे में बता नहीं सकते। तो ये सब रूल्स भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये सब रूल्स फॉलो करते हुए भी आपका वीडियो वायरल होता है तभी आपको ये फंड दिया जाएगा। अभी आपका सवाल है कि ये फंड आपको मिलेगा कैसे। देखिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके पास तो एक एडसेंस अकाउंट है, वहां पर ही आपका फंड डाल दिया जाएगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपके पास कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है,
तो आपको ये मौका दिया जाएगा। सभी को, जितने सारे YouTube शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर यहाँ पर चुने जाएंगे, उन सभी के पास एक मेल YouTube भेज देगा, आपके लिए ये फंड YouTube ने अलॉट किया है, नंबर वन। नंबर टू, आपके YouTube स्टूडियो पर ही आपको एक अप्लाई करने के लिए फॉर्म दिया जाएगा या फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, जहां पर आपको अप्लाई करके आपको ये फंड क्लेम करना पड़ेगा। तभी अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो आप वही डाल दीजिए, और अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसी वक्त एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए, और उसके बाद आपके अकाउंट जब बन जाएगा आपका फंड वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया इस अपडेट के बारे में, मुझे एक डाउट अभी तक है। अगर मेरा इस सवाल के आंसर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हो। एक्चुअली YouTube ये तो बता दिया कि जिन लोगों के YouTube शॉर्ट्स वीडियो वायरल होंगे उन्हीं को ये फंड दिया जाएगा, लेकिन YouTube ने ये नहीं बताया कि जिन लोगों के पास YouTube के एक शॉर्ट्स चैनल है अगर उनके वीडियो वायरल होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को ये फंड दिया जाएगा, या फिर जिन लोगों के पास YouTube शॉर्ट्स चैनल नहीं है उनका एक बढ़िया सा मेन चैनल है और वहाँ पर ही उन्होंने शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं, तो अगर उनका वीडियो वायरल होता है तो ये फंड क्या उनको भी दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तब तो मान लो ये करिमिनाटी, ट्रैकिंग टेक, ये सब चैनल से जितने सारे YouTube शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट किया जाता है उनके वीडियो पर तो भर भर के व्यू आते हैं, उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, तो सभी रुपया उन्हीं लोग लेके चला जाएगा, नए क्रिएटर को कुछ भी नहीं मिलेगा, यही मुझे कहना था। एक्चुअली ये बात यूट्यूब ने क्लियर नहीं किया कि ये फंड सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल से ही जितने वीडियो वायरल होंगे उन्हीं लोगों के बीच बांट दिया जाएगा, या फिर उन लोगों के साथ साथ जिनके मेन चैनल पर YouTube शॉर्ट्स वीडियो डाला गया है उन लोगों के वीडियो अगर वायरल होता है तो उन लोगों को भी ये फंड दिया जाएगा, मतलब दोनों के बीच बांट दिया जाएगा, ये क्लियर नहीं किया। ये अगर YouTube क्लियर कर देता तो अच्छा होता। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आज के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।